नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। अभी अभी खबरों का रुख कर लेते हैं। कुशीनगर के तमकुही अहिरौली दान मार्ग लोक निर्माण विभाग के चलते बदहाली का शिकार हो चुका है और इसीलिए 20 सड़क अब बंद होने के कगार पर आ गई है। दरअसल क्षतिग्रस्त होकर गड्ढों में तब्दील हो चुकी इस सड़क पर लोक निर्माण विभाग की तरफ से गड्ढा मुक्त करने के नाम पर हर बार की तरह इस बार भी कुछ जगहों पर कोरम का काम जो है पूरा करने के नाम पर सड़क पर पत्थर गिराकर छोड़ दिए जाने से अब तक सैकड़ों लोग घायल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। वहीं सड़क पर गिरे नुकीले ईंट में फंसकर तमाम बाइक के टायर फटने से राहगीर सड़क पर गिरकर अपने हाथ पांव तोड़वा चुके हैं। और लूट का आलम तो ये है कि एक काम का तीन बार फर्जी भुगतान को अंजाम देने में विभाग के अधिशासी अभियंता हेमराज सिंह, सहायक अभियंता संतोष विश्वकर्मा सहित अवर अभियंता प्रिंस मौर्य और करीबी ठेकेदारों की मिली भगत से गड्ढा मुक्त और सड़क मरम्मत के नाम पर लिए गए फर्जी भुगतान अब गले का फांस बनता जा रहा है। दरअसल विभाग के अधिकारी अब बचाव के रास्ते तलाशने में लगे हुए हैं। तो कुशीनगर का ये पूरा मामला है जहां पर लोक निर्माण विभाग का ये भारी घोटाला सामने आया है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क जो है पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो चुकी है और ऐसे में बारिश का मौसम है तो बारिश का पानी भी लगातार सड़कों पर भर जाता है और जिस वजह से आने जाने वाले वाहनों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पैदल उतरकर अपनी बाइक से एक बाइक सवार गड्ढे से अपनी बाइक को ले जा रहा है और सामान भी उस पर लदा हुआ है। ईंट किस तरह से पड़े हैं। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि विभाग की तरफ से सड़क मरम्मत के लिए फर्जी भुगतान भी करा लिया गया है लेकिन उसके बाद भी मरम्मत जो है वो नहीं कराई जा रही और इसीलिए तमाम दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निशांत गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, क्या ये पूरा मामला है? दरअसल लोक निर्माण विभाग का ये भारी घोटाला सामने आया है, क्या कुछ इसमें अपडेट है और क्या क्या हुआ है अब तक? जी, मैं आपको बता दूं पहले कि इस सड़क के निर्माण के लिए सुपर सरकार में सबसे पहले सड़क का निर्माण कराया गया था, उसके बाद अभी तक इसके किसी भी तरह का मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। इस कारण यहाँ पे बारिश के मौसम में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और यहाँ के लोगों को आने जाने में काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है और यहाँ के नेताओं ने लोगों ने काफी बार सरकार से जो सांसद जी है उनसे ये आवाज रखी गई कि ये 25 किलोमीटर लगभग लंबी दूरी की सड़क है, इसको मरम्मत का कार्य कराया गया है लेकिन अभी तक इस पर किसी भी तरह का मरम्मत का कार्य तो नहीं कराया गया है। इसको लेकर यहाँ के लोग काफी परेशान है और कुछ नेतागण है जो लोगों की बातों को मान करके यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं और पिछले दिन भी मधुश्याम राय जी ने धरना प्रदर्शन जारी किया था को उठा के और चौकी में बंद कर दिया गया था जी। तो इस तरह की लोगों की आवाज को दबाई जा रही है जी। निशांत, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि बार बार इस सड़क के नाम पर जो है फर्जी भुगतान करा लिया जाता है और सड़क की मरम्मत तो होती ही नहीं है। तस्वीरें तो हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़क की हालत क्या है लेकिन उसके बाद भी क्यों जो है कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही है? जी, किसी भी तरह के लिए बात सत्य है कि सरकार में बार बार कहा जा रहा है ये चीज की सड़क के कार्य मरम्मत के लिए कार्य किया जा रहा है और भुगतान की बात भी सामने आई है लेकिन अभी पूछने वाले लोग ये पूछ रहे कि भुगतान किसने कराया, कैसे हुआ है, तो इसका कोई जवाब नहीं है जी। और अभी तक भुगतान भी हुआ है तो उसके कार्य क्यों नहीं किया गया है? इस चीज को लेकर सबका जो कार्यकर्ता है वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं क्योंकि अभी तक लगातार धरना प्रदर्शन जारी है जी। निशांत, धरना प्रदर्शन जारी है लेकिन उसके बावजूद भी क्या कोई सुनवाई नहीं हो रही? क्योंकि देखिए लगातार जो आम जनता है वो बेहद परेशान होती नजर आ रही है, चाहे वो फिर देखिए इस सड़क से गुजरना ही क्यों ना हो, फिर बारिश का मौसम भी ऐसे में पानी भी सड़क पर पूरी तरह से भर जाता है। जी, पानी बिल्कुल सड़क पर भर जाता है, बारिश के थोड़ी सी भी बारिश होती है तो इतनी बड़ी गड्ढे हो चुके हैं कि यहाँ पे सड़क नहीं दिखाई देती है और सड़कों पर पूरा पानी भरा होता है जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो मोटरसाइकिल वाले इस गड्ढे में गिर कर चोटिल हो जाते हैं
और काफी बार इस चीज को आवाज उठाया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का इस पर कोई कार्यविधि नहीं हुई है, न किसी सांसद द्वारा न किसी नेता द्वारा, इसीलिए अभी तक धरना अभी तक जारी किया गया है। जी चलिए निशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कुशीनगर का पूरा मामला है जहां पर लोक निर्माण विभाग का ये भारी घोटाला देखने के लिए मिल रहा है, और सड़क के नाम पर, बनवाने के नाम पर, मरम्मत कराने के नाम पर फर्जी भुगतान भी करा लिया जाता है कई बार, लेकिन उसके बाद भी सड़क की हालत जो है वो हर किसी के सामने है। और हालांकि सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इस पर ना तो कोई विधायक काम करने के लिए तैयार है, लोगों की मदद करने के लिए तैयार है, ना ही कोई सांसद लोगों की मदद कर रहा है। प्रशासन भी आंख नीचे बैठा है और कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लालकुआ में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य ने बिंदुखत्ता क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। बता दें यहां बिंदुखत्ता पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य ने केंद्र सरकार की तरफ से संचालित की जा रही हर घर नल से जल योजना की जानकारी ली, और इस दौरान उनके समर्थकों और क्षेत्रवासियों ने उन्हें जानकारी देते हुए बताया कि योजना का लाभ बिंदुखत्ता की जनता को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अधिकारी इस क्षेत्र को वन भूमि बताकर योजना का लाभ नहीं दिए जाने की बात कह रहे हैं। जिस पर आर्य ने जल्द से संज्ञान लेते हुए कहा कि वो पूरे मामले पर क्षेत्र के शिष्टमंडल के साथ दिल्ली जाकर केंद्रीय सामाजिक और आधिकारिकता मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात करेंगे और उनसे प्रदेश सरकार को पत्राचार कराने का भी काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे मामले को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए वो हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये केंद्र की एक जन कार्यकारिणी योजना है और पानी लोगों की मूलभूत जरूरत में से एक है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और इसके लिए देहरादून से दिल्ली तक वो लड़ेंगे और इसीलिए दिल्ली में जाकर इस पूरे मामले पर बातचीत भी वो करेंगे। सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा क्योंकि वो गांव गांव में जाकर के लोगों की समस्या को सुन रही है। आज हमारा क्षेत्रीय भ्रमण था लालकुआ विधानसभा के अंदर, बिंदुखत्ता क्षेत्र हमारा लगभग 6,500 जनसंख्या वाला ये क्षेत्र है, जिसमें हमने देखा कि यहाँ ग्रामीणों ने हमें बताया कि यहाँ के जल जीवन मिशन के अंदर यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हर घर को नल पहुंचे, हर घर को जल पहुंचे। प्रधानमंत्री जी के इस योजना को यहाँ पर साकार में देखते हुए बड़ा दुख हुआ। मैं अपने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले उत्तराखंड की तरफ से एक प्रेस में बयान देना चाहता हूँ कि मैं माननीय रामदास अठावले जी के साथ इस बारे में बैठक करेंगे, हमारा पूरा शिष्टमंडल उत्तराखंड का जाएगा। अध्यक्ष यशपाल आर्य जी का बिंदुखत्ता के अंदर स्वागत है। जो भी यहाँ पर बीड़ा उठाया अच्छी बात है, और हमारे केंद्रीय मंत्री जी जो है रामदास अठावले जी है, जो कि हमारा विभाग उनके पास है हमारे साथ, तो इस चीज को आते हैं भावना माननीय है वहाँ प्रधान जी का आते हैं, प्रधान जी का स्वागत करते हैं। बिंदुखत्ता इससे पहले आते हैं बिंदु खेड़ा हुआ करता था, जो कि आते हैं हम जो है यहाँ के लोग जो हम का करीब 70-80 साल हम लोगों को हो गए। उसके बाद जो है बिंदुखत्ता 78-79 से फिर जो आज का जो बिंदुखत्ता है तो पुराने लोग हैं और उसमें दलित समाज के लोग जाते हैं। बंतनगर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में हो रही अघोषित बिजली कटौती और बिल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने पंतनगर स्थित विद्युत उप संस्थान कार्यालय पर जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बता दें प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग और सरकार के खिलाफ लोगों की परेशानियां बढ़ाने का आरोप भी लगाया। यहां कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट और प्रदेश सचिव विनोद कोरंगा के संयुक्त नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने पंतनगर विद्युत उप संस्थान कार्यालय पर धरना देते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन अधिशासी अभियंता को भी सौंपा। इस दौरान प्रदेश प्रदर्शनकारियों ने सरकार को जमकर घेरा और जन विरोधी झूठी सरकार बताते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बीजेपी का चरित्र ही जनता से झूठ बोलकर सत्ता को हथियाना रहा है। सूबे की जनता को बीते 4.5 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने सिर्फ उन्हें छला उनके साथ किया है और बीजेपी सरकार ने जनता को इन 4 सालों में सिर्फ और सिर्फ ठगा है।
इसमें बाइट नहीं है क्या? तो बता दें, लालकुआ में सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है और ऐसे में सरकार को खड़े में खड़ा करते हुए बिजली कटौती और महंगाई को लेकर काफी देर प्रदर्शन किया और ऐसे में सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। और बता दें कि बिजली कटौती और महंगाई को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हालांकि कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर भी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने पिछले 4 साल में उत्तराखंड की जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगा है और अब 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। विधानसभा चुनाव में जनता जो है वो कांग्रेस का साथ देगी और बीजेपी की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ 4 साल में जनता को ठगा ही है। अमेठी के थाना क्षेत्र संग्रामपुर मोड़ पर मां कालिका धाम का दर्शन करने जा रहे बाइक सवार अचानक नील गाय से टकरा गए, जिसमें बाइक सवार तीनों युवकों को गंभीर चोटें आई। वहीं आसपास के ग्रामीणों ने उनकी मदद की और एम्बुलेंस से अस्पताल भी पहुंचाया, जहां पर युवकों का इलाज चल रहा है। तो बता दें, अमेठी का ये पूरा मामला है जहां पर बाइक सवार मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में नील गाय से वो टकरा गए और इससे दो युवकों का बता दें अस्पताल में इलाज चल रहा है। दो युवक बुरी तरह से घायल हो गए हैं। तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से टक्कर लगी, तो बाइक भी पूरी तरह से टूट गई और युवकों को भी काफी चोट आई है। तीन युवक बाइक पर सवार थे जिन्हें गंभीर चोटें लगी हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उन तीनों का ही इलाज चल रहा है। हालांकि मौके पर ग्रामीण आए, उन्होंने एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल पहुंचाया और साथ ही इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को भी दे दी है और अस्पताल में तीनों ही युवकों का इलाज जो है वो चल रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि कोविड-19 का टीकाकरण जरूर कराएं, तो दूसरी तरफ टीका लगवाने के लिए जब लोग अस्पताल पहुंचते हैं तो जिम्मेदारों की तरफ से कहा जाता है कि टीका खत्म हो गया है, कल टीका लगेगा। ऐसे में कल फिर जब लोग पहुंचते हैं तो भीड़ देखकर फिर कल पर बात टाल देते हैं। मामला अमेठी के CHC का है, जहां पर जब लोग टीका लगवाने आ रहे हैं तो उन्हें ये कहकर लौटा दिया जा रहा है कि टीका खत्म हो चुका है, दोबारा से आना। और फिर जब लोग दूसरे दिन पहुंचते हैं तो उन्हें फिर वही बात कहकर लौटा दिया जाता है। और कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाते हुए कहा कि जिनकी पहुंच है उन्हें तो तुरंत टीका लगवा दिया जाता है और लाइन में लगे लोगों को फिर कल पर टाल दिया जाता है। अब ऐसे में कोविड-19 का असर जाएगा या इस भीड़ की तरफ से फिर से इसे बुलाया जा रहा है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि देखिए, लगातार टीकाकरण पर सरकार जो है वो जोर देती हुई नजर आती है और ऐसे में जब लोग टीका लगवाने के लिए सेंटर्स पर पहुंचते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि टीका यहां पर ख़त्म हो गया है, आप अगले दिन आइएगा। और ऐसे ही जब अगले दिन लोग वहां पर पहुंचते हैं तो यही बात का हवाला देके उन्हें वहां से भेज दिया जाता है। अमेठी का ये पूरा मामला है जहां पर लोगों को ये कहा जाता है जब वो टीका लगवाने पहुंचते हैं कि सेंटर पर टीका खत्म हो चुका है और ऐसे में जब लोगों से कहा जाता है कि अब आप अगले दिन टीका लगवाने आइएगा, तो टीका लगवाने जब लोग अगले दिन पहुंचते हैं तब भी उन्हें यही बात कह दी जाती है कि आप जो हैं वो बाद में आइएगा, यहाँ पर टीका नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि एक तरफ केंद्र सरकार जो है वो ये कहती नजर आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं टीका लगवाएं, क्योंकि अभी तक जो बहुत सारे लोग थे वो टीका लगवाने के समर्थक में नहीं थे, लेकिन अब जब लोगों को इसकी अहमियत समझ आ रही है, इसके बारे में जागरूक लोग हो रहे हैं, तो वो टीकाकरण सेंटर पर जब पहुँचते हैं तो उन्हें ये कह दिया
जाता है कि यहाँ पे टीका जो है वो खत्म हो चुका है, आप बाद में आइएगा। ऐसे में लोग जो हैं वो परेशान हैं, वो अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं और भीड़ भी आप देख सकते हैं किस तरह से टीका सेंटर पर जो है टीकाकरण सेंटर पर भीड़ उमड़ पड़ी है। लेकिन जब उनका नंबर आता है तो उन्हें ये कह दिया जाता है कि सेंटर पर टीका नहीं है, आप अगली बार आइएगा। ये पूरा मामला अमेठी के CHC का है जहाँ पर ये सभी चीजें होती हुई नजर आ रही है। तो बता देंगे अमेठी का पूरा मामला है CHC का, जहां पर लोग जब टीका लगवाने पहुंचते हैं CHC में अपनी बारी का इंतजार करते हैं, तो ऐसे में लोगों को ये कहकर डाल दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है कि अब यहां पर टीका खत्म हो चुका है, आप कल आइएगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब लोग अगले दिन पहुंचते हैं कि आज तो टीका लग ही जाएगा, तो ऐसे में अगले दिन भी उन्हें यही बात कही जाती है कि आज भी टीका यहाँ पर नहीं है, आप बाद में आइएगा। यानी कि देखिए लोग जो हैं वो टीका लगवाने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनका ये लापरवाही वाला रवैया जो है वो सामने आ रहा है। अगर इसी तरह से टीकाकरण सेंटर्स पर लोगों को वापस भेजा जाएगा तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लग पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या ये पूरा मामला है, क्यों लोगों को वापस भेज दिया जा रहा है अमेठी CHC से जब वो टीका लगवाने पहुंचते हैं? देखिए, यहाँ एक तरफ सरकार COVID-19 टीकाकरण के लिए लगवाने के लिए लगातार आगाह करती है, सचेत करती है, लेकिन यहाँ पे अमेठी कुछ ऐसे हालात आए हैं कि लोग आते हैं, उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं टीका खत्म हो गया है, आप कल आइए, परसों आइए, लगातार ये आ रहे हैं। और जी विष्णु, लेकिन देखिए एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि जल्द से जल्द लोगों को टीका लगाया जाए, तभी कोरोना का संक्रमण जो है वो कम होगा, क्योंकि देखिए लगातार तीसरी लहर की बात जो है वो लगातार सामने आ रही है कि सितंबर और अक्टूबर में तीसरी लहर आ जाएगी। ऐसे में अगर CHC में इस तरह की हरकत की जाएगी कि लोग अगर टीका लगवाने पहुंचेंगे उन्हें वापस भेज दिया जाएगा, तो किस तरह से फिर ज्यादा लोगों को टीका लग पाएगा? ये कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें कमी है और प्रशासन इसे ध्यान नहीं दे रहा है, लोगों को वापस लगातार भेजा जा रहा है कि आप कल आइए, आज टीका खत्म हो गया है, भीड़ देख के ये हालात है। बिल्कुल विष्णु, और देखिए सिर्फ टीका खत्म ही नहीं हो गया है, इस CHC में जो है कोरोना प्रोटोकॉल्स का भी पालन नहीं किया जा रहा, क्योंकि तस्वीरें जो हम देख रहे हैं वहां भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई भी है, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा है। लगभग हमेशा 100-200 रहते हैं CHC पे तैनात रहते हैं लोग, लेकिन CHC वाले लगातार बहाना बताते रहते हैं कि आज टीका नहीं है, कल आप आइए, लेकिन आप देख सकते हैं वीडियो में साफ दिख रहा है कि ना ही कोई मास्क लगाया है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ऐसे में COVID-19 बढ़ावा दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर CHC के जो कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। विष्णु, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए विष्णु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यह अमेठी का पूरा मामला है CHC का, जहां पर लोगों को टीका लगाया नहीं जा रहा है, लोग जब पहुंचते हैं टीका लगवाने के लिए तो उन्हें यह कह दिया जाता है कि आप कल आइएगा, आज टीका जो है खत्म हो चुका है। अमरोहा के नौगवा सदर थाना क्षेत्र में रहने वाले दो पक्षों में मामूली सी बात के चलते विवाद हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक दूसरे के घरों पर छतों से पथराव होने लगा, गोलीबारी भी हुई। इस पूरे मामले में एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष का
पत्थरबाजी का वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। वहीं ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है और साथ ही बता दें कि दोनों पक्षों के लोग कौन हैं इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इस मामले में माना जा रहा है कि पुलिस अधिकारी आरोपियों की पहचान कर बड़ा एक्शन ले सकते हैं। तो अमरोहा का ये पूरा मामला है जहां पर मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और खूब पत्थरबाजी हुई, गोलीबारी भी हुई इस पूरे मामले में। हालांकि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष का पत्थरबाजी करते हुए वीडियो बना लिया और इसे वायरल कर दिया जो अब काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं ये भी माना जा रहा है कि अब इस पूरी घटना पर पुलिस जो है वो संज्ञान लेते हुए वीडियो के आधार पर एक बड़ा एक्शन ले सकती है। अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र में शराबियों का इस कदर आतंक है कि दिन दहाड़े शराबी शराब के नशे में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। यहां पर इस बात को लेकर कई बार झगड़े भी हुए, लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर चौकी क्षेत्र में आने वाले इस इलाके में पुलिस कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं करती है, जिसकी वजह से यह इलाका अब मैखाना बना हुआ है। शराबियों के हुड़दंग से परेशान एक शख्स ने शराबियों के शराब पीने का एक सीसीटीवी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल किया है। पब्लिक ऐप आपको बता दें कि ये दिख रहा है कि इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुश्किल नहीं होगा कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन की लापरवाही से किस तरीके से जाम छलकाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है। एटा के कोतवाली थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव फांसी से के फंदे से लटका हुआ मिला है। वहीं युवक के परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप युवक के ससुराल पक्ष पर लगाया और बताया जा रहा है कि युवक रक्षाबंधन के दिन अपने ससुराल गया था। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। इटावा के कारागार परिसर में डिप्टी जेलर एसएच जाफरी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने आरोपी शालू पंडित को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस शालू के अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 21 अगस्त को डिप्टी जेलर के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और लगातार पूछताछ कर रही है। इटावा के जसवंत नगर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर चाचा ने अपने बेटे और पत्नी के साथ मिलकर भतीजे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। वहीं हत्यारा वारदात को अंजाम देकर अपने परिवार के साथ मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो बता दें इटावा का पूरा मामला है जहां पर चाचा ने की अपने भतीजे की परिवार के साथ मिलकर निर्मम हत्या कर दी और मौके से परिवार के साथ फरार हो गया है। इटावा के जसवंत नगर थाना क्षेत्र में सालों पुराना मिट्टी का टीला अचानक भरभरा कर कच्चे मकान के ऊपर गिर गया। वहीं मिट्टी के टीले के मकान पर गिरने से मकान के नीचे रह रहे मवेशी मलबे में दब गए, जिसके चलते मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। इसी के साथ 6 लोग घायल हो गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इसी के साथ ही एसडीएम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ितों को नुकसान का मुआवजा भी दिलवाने का आश्वासन भी दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।